देखिए आज हमारे यहाँ पत्ता गोभी की सब्जी बनने जा रही है। इसको कहीं कहीं बंधा भी बोलते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो कटा हुआ रखा था, तो ऊपर जो पत्ता इसका कड़ा हो गया था वो मैंने निकाल के फेंक दिया है। और ये देखिए बिल्कुल साफ साफ निकाल लिया है। और ये मेरी मटर है, ये देखिए मैंने एक आलू लिया है, और ये मेरा एक टमाटर है, ये हरी धनिया है। हाँ हेलो गाइस, इधर से ये देखिए ये बच्चा आ गया है फिर से। ये देखिए हाँ बोलो हेलो गाइस। हाँ तुम नानी आज सब्जी बनाने जा रही है? मेरी नानी माँ मामा सब्जी बनाने जा रही है। हाँ इसका इसकी सब्जी बनेगी, मटर है इसको बोल दो मटर। हाँ और ये कह दो ये सब्जी है। हाँ ये सब हम आपको बना के दिखाएंगे। कदो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। खट्टी लगती है। कदो लाइक एंड सब्सक्राइब। नहीं पैसा नहीं खाते। अच्छा कदो लाइक एंड सब्सक्राइब। उसका बेबी नहीं खाता है। किसका बेबी नहीं खाता है? पीगा पिक का। पीगा पिक का बेबी ये चीज नहीं खाता है? अच्छा और मेरा बेबी खाता है? अच्छा चलो गाइस को नमस्कार करो। कदो हेलो गाइस। और कदो आप टमाटर है? ये टमाटर है हाँ। और ये क्या है ये भी दिखा दो। आलू है। ये आलू है देखिए। और ये क्या है दिखा दो। मटर। ये मटर है, जोर से दिखा दो मटर। हाँ कहो इसकी सब्जी बनेगी। देखो इसके लिए दो चीज पड़ गए। अच्छा कहो आप सब्सक्राइब कीजिए। हाँ ओके हाँ दिखा दो जल्दी से दिखा दो। हाँ दिखा दो ऊपर दिखा दो। ये वाओ अब मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। चलो सब्सक्राइब करेंगे हम लोग। हाँ क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग आटा लगाएंगे। देखो बता रहा हूँ अपने आप से ही हम लोग आटा लगाएंगे। पिज्जा का आटा लगाएंगे। काहे का आटा? पिज्जा का। पिज्जा का आटा लगाने जा रहा है भैया? पिज्जा का आटा लगाएगा और पिज्जा बनाएगा। ओके अच्छा ठीक है पैन में उछाल उछाल के पिज्जा बना दूंगी। ओके अब तुम जाओ मामा के पास जल्दी। अब नानी बनाएगी ना। अब चप्पल पहनो जल्दी चप्पल पहनो। ये देखिए ये मैंने पत्ता गोभी काट लिया है और देखिए बहुत पतला पतला बारीक बारीक कटा हुआ है। इसको नमक के पानी से धुला है। कभी भी कोई भी पत्तेदार सब्जी जब काटे तो उसको नमक के पानी में धुलें, क्योंकि पत्ता गोभी में भी एक सुनते हैं कि बहुत बड़ा कीड़ा एक होता है वो आँख तक पहुँच जाता है। इसलिए इसको जो है बहुत देर तक नमक के पानी में डाल दें या गर्म पानी में डालें तो इसके जो गंदगी या कीड़े मकोड़े जो भी है धूल मिट्टी वो सब साफ हो जाती है। ये देखिए मैंने काट लिया है और काट के धुल के रख लिया है। मैंने सारी सब्जियां धुल ली है। ये जैसा कि आलू आप जानते हैं मैं छिलका नहीं निकालती हूँ। ये देखिए अब मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। देखिए मेरा पैन चढ़ गया। तो हेलो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। नमस्कार ये आपका खुद का चैनल है। प्लीज़ ये देखिए चढ़ा दिया मैंने। अब इसमें तेल डालने जा रहे हैं। ये देखिए इसमें तेल पड़ गया। 1 स्पून है, ज्यादा तेल नहीं डालते हम तो बोतल से ही डाल दिए हैं। अब ये देखिए ये मेरा प्याज है, लहसुन है, अदरक है, मिर्चा है। अब तेल गर्म हो जाए। देखिए ये नया चप्पल खरीद के लाया है तो ये आप लोग को दिखा रहा है। ये तो पक्का वीडियो बनाने वाला हो गया, यूट्यूबर बन जाएगा आगे चल के। बोलो तो ये चप्पल मैं लाया हूँ गाइस। मैं लाया हूँ तो मैं नंबर 2 लिखा है और मैं भी नंबर 2। इसमें नंबर 2 लिखा है, इस पर भी नंबर 2 लिखा है। ओके थैंक्स बोलो। थैंक्स। अब आप खेलो, अब बाहर खेलो गैस के पास से बाहर खेलो। अभी यहाँ पे चप्पल पहन के बैठ गए थे इसे यहाँ पोछा लगा देते हैं, कुछ गिर जाता है खाने पीने का सामान। ये है ना चप्पल पहनने के लिए। अब बंद करो दरवाजा। अब देखिए अब ये मेरा तेल चढ़ा हुआ है। अभी गैस धीमी कर देते हैं। इसमें हम डालते हैं लहसुन, हरा मिर्चा और इसी समय थोड़ी सी अदरक। अभी देखिए ये मेरा तेल गरम था इस बच्चे की चप्पल दिखाने के चक्कर में। देखिए अब
देखिए इसमें हम डाल देते हैं इतना प्याज, ये मिर्चा आप अपने स्वाद अनुसार डालें, हम थोड़ा सा मिर्चा कम खाते हैं। देखिए प्याज थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा, अब आगे हम स्टार्ट करें। देखिए मेरा प्याज जो है हल्का हल्का सा हो गया है। अब जो ये आलू है हमारी, जो अभी मैंने आपको दिखाई है, ये आलू भी है पतली पतली काट के इसी में डाल देते हैं। ये आलू है ना, इसको मैं बहुत पतला पतला काटूंगी, इसी में डाल। बिल्कुल पतला पतला काटेंगे तो बिल्कुल बंधा वाली स्टाइल पे, पत्ता गोभी की स्टाइल पे। प्याज इतनी ज्यादा है और देखिए ये प्याज मेरा पक रहा, पक गया है करीब करीब। अब इसको किनारे करके थोड़ा सा ये तेल देखिए आ जाता है बीच में, ये देखिए तेल थोड़ा। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हींग, दाने वाली हींग है, सब्जी में हींग बड़ी अच्छी लगती है। ये देखिए मैंने हींग डाल दी है और जीरा डाल दिया थोड़ा इसी समय, थोड़ा जीरा। जीरा पक जाए इसके बाद अगर आपको पसंद हो तो आप थोड़ी राई भी डाल सकते हैं, हम तो नहीं डालते हैं राई। अब ये जो पत्ता है मेरा, ये इसको हम सकता है, अब इसको थोड़ा सा नरम कर देते हैं। पत्ता तो कच्चा भी खाया जा सकता है, ये थोड़ा सा नरम करते हैं। देखिए आलू, देखिए एक लाल मिर्चा, ये देखिए पत्ता गोभी जो है कभी भी बताया जाता है कि पका के नहीं खाना चाहिए, कच्ची जितना फायदेमंद होती है उतना इसका उबालने के बाद इसके सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल से कच्ची अच्छी नहीं लगती। अब देखिए अब मैं इसमें मटर डाल देती हूँ, धीरे धीरे ये भी पक जाएंगे इसी के साथ। इसको ऐसे थोड़ा सा नरम हो जाए इसके बाद फिर दिखा। देखिए मेरा पत्ता गोभी नरम हो गया है, गैस स्लो कर दे। आलू और पत्ता गोभी मेरा ठीक से भून गया है। गैस थोड़ा तेज कर दी थी, तेज नहीं करिएगा आप लोग, मैंने उस बच्चे के चक्कर में थोड़ा गैस तेज हो गई, लेकिन फिर भी कुछ जला नहीं था। ये देखिए जला देखिए ये है, इसको हम इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें हम डालेंगे 1 स्पून आधा चम्मच धनिया। मसाला आप अपने सब्जी के हिसाब से डालें, अगर आपकी सब्जी ज्यादा है तो मसाला ज्यादा डालिए। ये देखिए मेरा ये किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला, और मैं डाल रही हूँ हल्दी, ये देखिए 1/2 स्पून हल्दी। अब इसमें डालेंगे ये देखिए रेगी मिर्च, और अब थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक, नमक आप टेस्ट के अनुसार डालें।
थोड़ा सा, बहुत जरा सा, जरा सा पक गई सब्जी, लेकिन थोड़ा मसाला जो है मेरे मिक्स हो गया, इसलिए मैंने डाल देते हैं टमाटर। ये टमाटर की होती है आंख, ये इसको निकाल देते हैं। ये भी हम ऐसे ही जैसे हमने पत्ता काटा है वैसे ही इसको भी काटेंगे। इसको हम ऐसे ऐसे चला देंगे। देखिए कितनी देखने में डिलीशियस सब्जी लग रही है, है? ये थोड़ा सा आलू पक जाए, आप अगर नहीं मन हो तो आपकी इच्छा पर है तो आलू मत डालें, अगर नहीं डालना है तो मत डालें, कोई आलू फायदेमंद चीज नहीं है। ये देखिए पत्ता गोभी तो बहुत फायदेमंद है, कैल्शियम का स्रोत है। ये इसको ऐसे ऐसे धीमी आंच पे भूनते हुए देखते मटर, देखते ये देखिए मटर तो बिल्कुल पक गई, ये पत्ता गोभी पकी गया है, आलू है देखते हैं आलू का थोड़ा सा, और सब्जी मेरी रेडी है। ये देखिए आलू भी पकी गई है, ये देखिए आलू पक गई, पांच मिनट के लिए और हम ढकते हैं। ये देखिए देखते हैं पकी कि नहीं पकी। पक गई, और नमक कम है तो नमक और हम डालते हैं। देखिए नमक कम होता है तो तीखा ज्यादा लगता है, इसको ऐसे चलाते रहेंगे। देखिए गर्म पानी है, बिल्कुल गर्म नहीं है लेकिन थोड़ा गर्म है, उसको हम जरा पानी डाल के पूरे पैन में लग जाए, और इसके बाद इसको ये देखिए सिर्फ पांच मिनट के लिए धीमी आंच पर ढक के रख देते हैं। याद ये आलू बच गए, इसको हम पानी डाल के रखते हैं। आलू कभी भी काटने के बाद ऐसे ना रखें, इसको हमेशा पानी में डाल के रखें, नहीं तो ये काली हो जाती है। देखिए मैं आलू इसको डालती हूँ, ये देखिए थोड़ा करी पत्ता बारीक बारीक काट के, करी पत्ते की खुशबू बहुत ही अलग आती है, धनिया से ज्यादा अच्छी लगती है मुझे तो, क्योंकि धनिया तो पता नहीं कैसी आती है मार्केट में, अच्छी नहीं आती है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्जी, पराठा से पूरी से किसी चीज से खाइए। ये देखिए थोड़ा आलू कम है इसलिए आलू जरा सा और हो जाती है, तो हम बंद करते हैं। ये धीमी आंच पे इसको ऐसे देखिए सब्जी मेरी बन गई है। मैं इसको परोस के दिखाती हूँ आपको, गैस मैंने बंद कर दी। देखिए ये सब्जी, ये आलू पत्ता गोभी मटर प्याज सब मिक्स सब्जी है। ये देखिए टमाटर भी है, सब्जी में हम थोड़ा सा नींबू डाल देते ऊपर से खटास के लिए, जरा सा नींबू, अगर अमचूर है तो अमचूर डालिए। ये देखिए अब ये डेकोरेशन के लिए हरी धनिया,
ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये सब्जी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, आपको मेरी सब्जी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। देखिए ये सब्जी आपको कैसी लगी, प्लीज बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।